आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पीईटी और एक एसआई भर्ती के बारे में बात करेंगे। इसी तरह की अपडेट और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड करें, डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब आप हमारी वीडियो को देख करके रियल कैश भी कमा सकते हैं, उसके लिए आई बटन वाली वीडियो को देखें या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। सबसे पहले बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी से, तो आप यहां पे देख सकते हैं हेडिंग है कि यूपी में समूह ग भर्ती के लिए पीईटी परिणाम जल्द, 30,000 पदों पर शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। यहाँ पे आप यूपी ट्रिपल एससी के बारे में देख सकते हैं, ये एक पेपर कटिंग है। यहाँ पे है कि यूपी ट्रिपल एससी प्रारंभिक परीक्षा पीईटी का परिणाम जल्द जारी करने जा रहा है और इसके लिए तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अधिकतर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो चुका है। आयोग के मुताबिक परिणाम जारी होने के बाद भर्ती के संबंध में संशोधित कार्यक्रम जारी किया जाएगा। इसके बाद 30,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है कि समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए पहली बार प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराई गई है। इस परीक्षा में शामिल होने वाला ही मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होगा। पीईटी में 20 लाख से अधिक आवेदन किया गया था, परीक्षा में 85% लोग शामिल हुए। आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने कहा है कि परीक्षा परिणाम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तैयार करा रहे हैं, जिससे कि कोई गड़बड़ी का ना हो पाए। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे तो एक अच्छी चीज़ ये है कि जो भी आपकी कॉपी चेक हो रही है उसकी वीडियोग्राफी कराई जा रही है, ताकि इसमें कोई हेर फेर ना हो पाए। हालांकि अगर आप देखेंगे तो परीक्षा में कम हेर फेर होता है, लेकिन कॉपी चेक करने में काफ़ी हेर फेर देखने को मिलता है, जैसे कि ग्राम विकास अधिकारी 2018 में हुआ था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा गया है कि आयोग चाहता है कि पीईटी का परिणाम जल्द जारी हो जाए, जिससे कि विधानसभा की अधिसूचना जारी होने से पहले भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला जा सके। तो इस लाइन का मतलब आप समझ सकते हैं कि आयोग बस ये चाहता है कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले इसका विज्ञापन निकाला जा सके, और हम लोग वहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसका एग्जाम दिसंबर तक हो सकता है। देखिए, यहाँ पे आयोग का क्लियर कट सोच ये है कि इसका रिजल्ट जब भी जारी हो उसके 10 दिन के बाद करीब करीब आपको लेखपाल की भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। चाहे ये भले ही एक तरह का मेंस है, लेकिन यहाँ पर भी आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम दिया जाएगा आवेदन करने के लिए, और तब तक चुनाव आयोग अपना काम करना शुरू कर देगा और जो लेखपाल की परीक्षा है ये अधर में ही रह जाएगी। वही पेपर कटिंग सेम यहाँ पर भी है, आप देख सकते हैं कि इसके बाद 30,000 पदों पर भर्ती होगी और पीईटी का रिजल्ट जल्दी आने वाला है। इसके अलावा देखिए, एसआई और इंस्पेक्टर के लिए लगभग 3,044 पद बनाए गए हैं। यहाँ पे प्रदेश सरकार ने ये बनाया है सशस्त्र पुलिस में इंस्पेक्टर के 45 और सब इंस्पेक्टर के 2,999, यानी कि कुल मिलाकर 3,044। यहाँ पे आप देखेंगे तो हेड कांस्टेबल के 1,489 पदों को समाप्त किया गया है और यहाँ पे सशस्त्र पुलिस इंस्पेक्टर के और सब इंस्पेक्टर के पद बनाए गए हैं, जिनकी संख्या कुल मिलाकर होगी 3,044 और चुनावी साल में ये भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। पुराने जो हेड कांस्टेबल था उसमें और इसमें केवल अंतर इतना होगा कि इस बार की जो सशस्त्र पुलिस में इंस्पेक्टर की भर्ती आएगी, इसका ग्रेड पे होगा 4600, सब इंस्पेक्टर का ग्रेड पे होगा 4200। यहाँ पे इतने पद सृजित किए गए हैं और इनके लिए आपको आवेदन जल्दी ही देखने को मिल सकता है। तो यही है आज की इस वीडियो का अपडेट। इसी तरह की अपडेट और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड करें, डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब आप हमारी वीडियो को देख करके रियल कैश भी कमा सकते हैं, उसके लिए आई बटन वाली वीडियो को देखें या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें।